बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 7 कैलकुलस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, वेक्टर से क्या मुराद है। अ वेक्टर इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ ऑर्डर ट्रिपल्स एक्स वाई जी ऑफ रियल नंबर सच दैट। यहाँ जो एक्स वाई जी है ये तमाम के तमाम नंबर्स हैं और ये रियल नंबर्स हैं। अब अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करें, पहली कंडीशन है कि x1, y1, z1 एक वेक्टर है, x2, y2, z2 एक दूसरा वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर आपस में बराबर होंगे जब पहला एलिमेंट पहले के, दूसरा एलिमेंट दूसरे के और तीसरा एलिमेंट तीसरे के बराबर। जैसे मैं लिखा भी है कि x1 = x2, y1 = y2 और z1 = z2। पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर से के हो, अगर आप इस रियल नंबर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना चाहें तो इसका मतलब यह है कि के को पहले के साथ, के को दूसरे के साथ और के को तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करें। इसी तरह से तीसरी कंडीशन है कि दो वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करें, पहले नंबर को पहले में, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे, यानी x1 + x2 हो गया, फिर y1 + y2 हो गया और z1 + z2 हो गया। अब कोई भी इस तरह का जो ऑर्डर ट्रिपल होगा ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा लाजमी तौर। अब हम इसकी पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जो कि पेज 325 पे है, और इसमें आपने साबित करना है कि शो दैट एडिशन ऑफ वेक्टर इज़ कमोटेटिव। साबित करेंगे कि वेक्टर की एडिशन में कमोटेटिव लॉ हमेशा होल्ड करता है। दूसरे लफ्ज़ हम साबित करेंगे के v1 को v2 में ऐड करें या v2 को v1 में, तो दोनों का आंसर आपस में बराबर होगा। हम यूँ करते हैं, पहले v1 एक वेक्टर ले लेते हैं, इसके नंबर्स हैं x1, y1, z1। v2 एक नया वेक्टर लेते हैं जिसके नंबर्स हैं x2, y2 और z2। याद रखें कि जो x1, y1, z1 है या x2, y2, z2 है, ये तमाम के तमाम रियल नंबर्स हैं। अब हम ऐसे करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और ये v1 + v2 है। v1 कीमत हम लिख चुके हैं कि x1, y1, z1, जबकि v2 कीमत x2, y2, z2 है। ऐड करेंगे पहले को पहले में, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में। लेकिन यहाँ पे जो x1, y1, z1 है या x2, y2, z2, ये सारे के सारे रियल नंबर हैं, और रियल नंबर में एडिशन के लिहाज से जो कमोटेटिव लॉ है ये लाजमी तौर पर होल्ड करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x1 + x2 को x2 + x1, y1 + y2 को y2 + y1, z1 + z2 को z2 + z1 लिखा जा सकता है। अब हम यूँ करते हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये सारे, इनके पहले पहले लेके एक अलहदा वेक्टर बना लेते हैं, दूसरे को लेके एक अलहदा बनाएं। ये जो पहली टर्म, इसको आप v2 के तौर पे और इसको आप v1 के तौर पे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये राइट हैंड साइड बन गई। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड बना दी, तो हमने साबित कर दिया कि एडिशन ऑफ वेक्टर में जो कमोटेटिव लॉ है ये लाजमी तौर पे होल्ड करेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि शो दैट वेक्टर एडिशन इज़ एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में तीन वेक्टर्स लेंगे, v1, v2, v3। आप v2 और v3 को ऐड करें फिर v1 को, या पहले v1 v2 को ऐड करें बाद में v3 को, तो इनका आंसर बराबर होगा। साबित करने के लिए v1 कीमत हम x1, y1, z1, v2 कीमत x2, y2, z2 और इसी तरह से v3 कीमत x3, y3, z3 ले लें। लेफ्ट हैंड साइड ले लें v1 + v2 + v3। v1 कीमत x1, y1, z1, फिर v2 कीमत है और इसी तरह से v3 कीमत। पहले हम ऐसे करते हैं कि ये v2 और v3 दोनों को ऐड करते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर में हमने पढ़ा है कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में ऐड कर सकते हैं। अब हम ऐसे करते हैं, ये एक अलहदा वेक्टर बन गया, ये एक अलहदा वेक्टर बन गया, इनको भी ऐड कर लें। तो पहले को पहले में, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में। लेकिन यहाँ जो x1, x2, x3, y1, y2, y3 और z1, z2, z3 ये तमाम के तमाम रियल नंबर्स हैं, जैसा कि हमने साथ में लिखा भी है, और रियल नंबर में एडिशन के लिहाज से एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम x1, x2 को और इसी तरह से ये y1, y2 को और z1, z2 को अलहदा कर लें, तो आप x1 + x2 + x3 लिख सकते हैं, y1 + y2 + y3, z1 + z2 + z3। अब यूँ करें, ये जो x1 + x2 को लहदा, y1 + y2 को लहदा, z1 + z2 को लहदा, फिर x3, y3 और z3 को लहदा कर लें। लेकिन यहाँ जो आपके पास
ये जो x1 y1 z1 इनको फिर आप अलहदा अलहदा कर सकते हैं ब्रेक, x2 y2 z2 को अलहदा, x3 y3 अलहदा, ये जो x1 ये सारी टर्म आपके पास, ये पहले वाला v1 है, दूसरा v2 है, तो v1 प्लस v2 बन गया, जबकि वो जो लास्ट पे उसको v3 का नाम दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप v2 v3 को ऐड करें और बाद में v1 को, या v1 v2 को ऐड करें बाद में v3 को, तो इन दोनों का आंसर आपस में बराबर होगा। तो एसोसिएटिव लॉ हमेशा होल्ड करेगा वेक्टर्स की एडिशन में। ऑपरेशन हमारे पास यहाँ पर एडिशन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि शो दैट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इन अदर वर्ड्स कि अगर आप v1 v2 दो वेक्टर्स को ऐड करें, उनको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, या स्केलर से पहले मल्टीप्लाई कर लें बाद में ऐड करें, तो दोनों का जवाब आपस में बराबर होगा। साबित करने के लिए हम v1 कीमत x1 y1 z1 जबकि v2 कीमत x2 y2 z2 ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लें जो कि k into v1 plus v2 k वैसे का वैसा v1 कीमत और v2 कीमत लिख लें। v1 v2 दो वेक्टर्स हैं, ऐड करने के लिए पहले को पहले में, दूसरे को दूसरे में और तीसरे को तीसरे में ऐड कर दें। जब आप इनको ऐड कर लेंगे, फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार हमने पढ़ा है कि जब हम किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, तो इसका मतलब ये है कि उसके तमाम के तमाम कंपोनेंट्स को, ये जो के हमारे पास, उससे मल्टीप्लाई करें। तो ये जो बाहर वाला के है पहले के साथ, के दूसरे के साथ, के तीसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। अब हम ऐसे करते हैं कि ये kx1 प्लस kx2 हो गया, ky1 प्लस ky2, फिर kz1 प्लस kz2। अब ये पहला इसका नंबर, इस तरह से ये नंबर, ऐसे ये नंबर, इनको अलहदा कर लें, kx2 kxy2 और kz2 को अलहदा कर लें। पहले वेक्टर में से k को अलहदा निकाल लें, कॉम दूसरे में से अलहदा निकालें, ये पहले वाला v1 बन गया, दूसरा v2 बन गया, तो kv1 प्लस kv2, तो ये राइट हैंड साइड बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटर जो लॉ है, ये एडिशन ऑफ वेक्टर में हमेशा सेटिस्फाई होता है। चौथा सवाल इसका है जी कि शो दैट नल वेक्टर इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट। साबित करेंगे कि जो नल वेक्टर है ये आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट से मुराद ऐसा एलिमेंट जिसको किसी भी वेक्टर में ऐड करें उस वेक्टर के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, या किसी नंबर में ऐड करें तब भी कोई फ़र्क ना पड़े, जिसको नाम देते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट का। इन अदर वर्ड्स, हम वी को जीरो में, जीरो एक वेक्टर है, जीरो को वी में ऐड करें तो दोनों का जवाब वी के बराबर है। तो एक वेक्टर वी लिया, इसके कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई जी, एक वेक्टर नल जीरो लिया, जीरो वेक्टर वो वेक्टर जिसके तमाम के तमाम कंपोनेंट जीरो हैं या जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो, उसको नाम देते हैं नल वेक्टर। मैंने ऐसे किया, पहले वी प्लस जीरो लिया, वी की कीमत एक्स वाई जी है, जीरो वेक्टर की वी वैल्यू जीरो 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 है। दो वेक्टर को ऐड करने के लिए एक्स को जीरो में, वाई को जीरो में और जेड को जीरो में ऐड कर, लेकिन ये जीरो एक रियल नंबर है, रियल नंबर में आइडेंटिटी एलिमेंट की जो वैल्यू वो जीरो के इक्वल है, तो एक्स प्लस जीरो एक्स आ गया, वाई प्लस जीरो वाई आ गया, जेड प्लस जीरो जेड आ गया, तो ये वी ही बन गया। तो सिमिलरली हम ये भी साबित कर सकते हैं कि जो जीरो प्लस वी है ये वी के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट को अगर हम चाहें तो ज़ीरो वैक्टर कंसिडर कर सकते हैं, तो ज़ीरो वैक्टर एज ए आइडेंटिटी एलिमेंट लिया जाएगा।